2020 में 2003 में भी काफ़ी विवाद हुआ था, लोग अवैध तरीके से दबंग को कब्जा करने आए, उसका पुनरावृत्ति आज इन लोगों ने हरवे हथियार के साथ माननीय अभेश कुमार सिंह का बेटा बनोई जो उनके साथ आए तमाम 5-6 गाड़ी से आए हुए गुर्गे गए लाइसेंसी गैर लाइसेंसी हथियारों के साथ जमीन पर जबरदस्ती ईंट और बालू गिरा के कब्जा करना चाहते हैं। इस ज़मीन के बारे में बतलाना चाहते हैं कि ये ज़मीन 1914 के पहले भी कैडेस्टल सर्वे में सीएस सर्वे में भी प्लॉट नंबर 314 और 15 मेरे दादा दसई गोप के नाम से दर्ज है और बगल वाले भी जीवलाल गोप के नाम से 315 प्लॉट दर्ज है। ये दोनों प्लॉटों को जब 2003 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री ब्रजेश कुमार मल्होत्रा जी और अंचल अधिकारी ने प्रशासन के कहने पर सरकार के कहने पे इसको डिमार्केशन भी करवाया, तब तक इन लोगों ने बड़े पैमाने पे भूमि माफिया लोग जो बाहरी जगह से आ गए हैं वो लोग यहाँ पर गलत तरीके से कागजात बना के कर क्रय किया। क्रय करने के बाद उस ज़मीन का मेरे विभिन्न परिवार के लोगों के नाम से है, मैं स्टेट बैंक में हूँ, इनके भाई हमारे जुदागी भैया उनके द्वारा ही जो ब्लॉक में थे इस ज़मीन का म्यूटेशन कराया गया। अगर इनका ज़मीन था तो उसी समय ऑब्जेक्शन होता, कहाँ ऑब्जेक्शन किया गया, उस समय तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ये बाद में इन्होंने क्या किया कि 1996 के बाद एक जमाबंदी फर्जी जमाबंदी कराया कि 42 डिसमिल जमीन जो है मेरा है, एक जमाबंदी कराया, वो जमाबंदी के अगेंस्ट में हम गए कोर्ट में और कोर्ट से इनका जमाबंदी रद्द हो गया, ब्लॉक में इनका रसीद कटा बंद हो गया, मेरा रसीद अभी तक कट रहा है, सारा कुछ मेरा है, तो ये रसीद भी यहाँ मेरे पास है और जमाबंदी जो कैंसिल हुआ उसका भी है। तो आखिर जमीन कैसे होगा, हमने इनसे यही कहा कि आप टाइटल लड़ रहे हैं, टाइटल लड़ने से कोई काम रुक नहीं सकता है, लीगली अगर कोई कह दे कि कोई वकील अगर हमको कह दे कि टाइटल लड़ने से अगर काम रोक दिया जाएगा तब तो फिर हो जाएगा, हम मान लेंगे, अगर नहीं है तो आप इंजेक्शन लाइए कोर्ट से, प्रॉपर कोर्ट से लाइए इंजेक्शन।